इंडी गठबंधन के जो संभावित उम्मीदवार कांग्रेस के थे उनको अपने पार्टी ने, उनकी पार्टी ने दूध की मक्खी की तरह सो उखाड़ करके उसे निकाल करके फेंक दिया। मतलब कहना और करना दोनों में एकदम 1% भी फर्क नहीं, कहते हैं सो करते हैं और करके दिखलाते हैं। इसलिए सारा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस बार सरकार बनी। कैसे महिलाओं को मनाएंगे? देखिए महिला सम्मान है, ये सब जान रही है कि सब हमको ठगने वाला ये ठगुआ है, सो ये मैया योजना है सो है। देखिए ना यहाँ पर युवाओं के लिए कहा था इन्होंने की हम 5 लाख ऐसी नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, कई को नौकरी दिया, 25 लाख देना दिया था, कितना नौकरी दिया। गोगो दीदी सम्मान योजना जो है उसको आप देख लीजिए, हम लोगों ने कहा है 2100 रुपया देंगे, 11 तारीख को देंगे, आप सरकार बनने दीजिए, 11 तारीख से 12 तारीख नहीं होगा। अब जनप्रतिनिधि है जो ठेकेदारी करेगा तो लूट कसोट करेगा ही। जितना कहिए कि मियां लोग के गाँव था, खाली मियां के गाँव पर ऐसा रोड बना और बाकी कहिए कि ऐसे ही छोड़ दिया। पहले के इसमें बाबू लोग जो होते थे ना ये विधायक, पहले लोग एक एक कुर्सी रखते थे, बैठिए तो खाली बाबू बैठे हैं, अब बाकी सब जमीन में बैठाता था लोग। बाकी कौन मंडल बनाने के हम काम करेंगे। नमस्कार जोहार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एचडी न्यूज, मैं आपके साथ मुरारी। अभी हमारी टीम झारखंड में चुनावी यात्रा पर है, अभी हमारी मौजूदगी पांकी विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ से भाजपा से कुशवाहा शशि भूषण मेहता जी को टिकट मिला है, अभी विधायक भी रहे हैं, आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। सर क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है और हम लोग जैसे ही घोषणा हुआ उसके पहले से हम लोग तैयार थे चुनाव के लिए। और जो स्थिति परिस्थिति हम देख रहे हैं पाकी विधानसभा के ये में परिप्रेक्ष्य में, उसमें एकदम ये साफ है कि जो इंडी गठबंधन के जो संभावित उम्मीदवार कांग्रेस के थे उनको अपने पार्टी ने, उनकी पार्टी ने दूध की मक्खी की तरह सो उखाड़ करके उसे निकाल करके फेंक दिया। इसलिए कि उन्होंने उनका ये जितना लूट खसोट किया पूरे पांकी विधानसभा में, जितना किए कि अंधेरगर्दी किया, दहशतगर्दी किया, इसके कारण से उनकी पार्टी उनको कबूल नहीं किया। तो ये अब आने वाले समय में पांकी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चुनाव में जीत करके ऐतिहासिक परचम लहराया, जीत दर्ज किया है, इस बार भी उसी प्रकार से तैयारी है कि हम ऐतिहासिक जीत दर्ज करें। इसके लिए हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के मंच मोर्चा से लेकर के अपने पन्ना प्रमुख से लेकर के और बूथ के सभी पदाधिकारी प्रभारी है सो अध्यक्ष सारे लोग है सो रात दिन लगे हुए हैं और हम काफी संतुष्ट हैं कि इसमें जो भी अभी ये कि जो उम्मीदवार संभावित उम्मीदवार हैं उनके कहीं कोई अस्तित्व नहीं दिखाई पड़ेगा। और वैसे पांकी विधानसभा में वंशवाद खत्म हो गया है और वंशवाद खत्म करके हम लोगों ने एक कहिए कि ये लोगों की इच्छा के अनुसार विधायक बनाने का काम किया है। और वह व्यक्ति जो गरीब गुरबा की बात करता है, आदिवासी दलित पिछड़ी जाति के बीच में रह करके पार्टी के जो नीति सिद्धांत है, भारतीय जनता पार्टी का जो नीति सिद्धांत है उन तक सारी योजनाओं को उनके घर तक, उनके ये दरवाजे तक पहुंचाने का काम करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार हुआ है, ये आकर्षण हुआ है और लोग ऐसे बड़ी खुशी के साथ ऐसे जुड़ रहे हैं। और जितना पिछले बार हम लोग वोट लाए थे 93,000 वोट लाए थे, इस बार 1.5 लाख पार कैसे टारगेट है और 1.5 लाख पार करके हम लोग चुनाव जिताएंगे। इसका कारण यही है कि जो दबंग है सो कहिए कि जनप्रतिनिधि होते थे जिनका कहिए कि ठेकेदार ही है सुयोग था, अब जनप्रतिनिधि है जो ठेकेदारी करेगा तो ऐसा लूट खसोट करेगा ही, उस कारण से अभी देखिए एक 40 गांव पड़ता है ये बलियारी से मोड़ से लेकर के और उसके बाद रसी तक और सिलिलिया वगैरह ये कोरिया डेवर सब पड़ता है। इन्होंने क्या किया कि 2 साल हो गया वो टेंडर लिए हुए आज तक 10% काम नहीं किया और 10% में जो भी काम किया जितना कहिए कि मियां लोग के गांव था, खाली मियां के गांव पर ऐसे रोड बना और बाकी कहिए कि
ऐसे ही छोड़ दिया, और जबकि पूरा होना चाहिए काम, बलियारी असुईया तरसी रोड पूरा होना चाहिए, दिसंबर तक काम होना चाहिए, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। इसी सोच करके कि ऐसा लोग परेशान होंगे, तो परेशान होंगे तो उसका फायदा हमको मिलेगा, लेकिन इनका ऐसा उल्टा हो गया। और आज यही कारण है कि इनकी ये रेपुटेशन ऐसा पार्टी में भी नहीं खराब, जनता के बीच खराब, इसलिए इनको दूध के मक्खी की तरफ फेंक दिया। और ये अब ऐसा कहिए कि ऐसे ही असुईया कुछ घूमे फिरे चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं रह गया। और वंशवाद को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार हम लोग को मिल गया कि ऐसे व्यक्ति को बराबर के लिए दफना दे, जिससे कि लोग ईमानदारी से ऐसे जनता के बीच में रह करके जो सेवा का काम करते हैं उसको सेवा करके मौका मिले। और दहशतगर्दी खत्म हुआ है, पहले होता था कि कोई मास्टर साहब के बेटा अगर रिटायर करके, मास्टर साहब रिटायर कर गए तो उनका बेटा का अपहरण होना ही था, बरवैया के गुरुजी थे, रिटायर के अपहरण करवा लिया गया, इसके बाद में पैसा दिवा के कहिए को उसको छुड़वाया गया। तो ये अपहरण के जरिए जो था उद्योग था वहां की विधानसभा हमने खत्म कर दिया। तहसीली का धंधा जो तहसील करते थे, ये डीलर से तहसील होता था, हाँ 3 महीना से 4 महीना का डीलर बेचवा दिया जाता था, आंगनबाड़ी दीदी लोग से तहसीला जाता था, सब ये हो गया, बंद हो गया। और लोग शांति के साथ हसुए अमन चैन के साथ जी रहे हैं, और बाकी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफी विश्वास बढ़ा है। पहली बार बाकी विधानसभा में हम लोगों ने कमल का फूल खिलाने का काम किया था यहाँ के जनता के सहयोग से, और आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हम लोग ऐतिहासिक जीत दर्ज करके ऐसा कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। तो एक जो आपने बात कही यहाँ पे जो कांग्रेस ने कैंडिडेट बदला है, इससे आपकी जीत की राह और आसान हो गई है, आप कहना चाहें? देखिए जीत की राह तो पहले भी आसान था, अभी भी आसान है, इसलिए कि लोग इनके जो कार्यशैली थे, मतलब कहिए कि पूर्व जनप्रतिनिधि और ऐसो बेसिकली ऐसो ठेकेदार से, उनसे लोग छुटकारा पाना चाहते थे। तो अब ऐसा उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, हम लोग जीतेंगे। और जीत हार का अंतर बहुत होता है, हम लोग ऐसा 37,000 वोट से जीते हुए थे, अब ऐसा हम लोग इसको 50,000 पार करेंगे, यही हम लोग का टारगेट है। और उनको कहीं कोई परेशानी नहीं है, सारे लोग लगे हुए हैं, हर स्तर पर लगे हुए हैं। इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा, इस बार जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में? हमने लोगों से कहा है कि हमारी सरकार नहीं होने के कारण 3 काम हम नहीं कर सके। पहला काम पांकी को अनुमंडल बनवाने का काम था, जो कि नहीं करा सके, इसलिए कि ये सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो बैठक होनी थी ऐसे जो छोटे ऐसे प्रखंड का अनुमंडल का गठन का, यह मीटिंग हुई नहीं। हमारी सरकार आने के बाद पहला मीटिंग करा करके पांकी को अनुमंडल बनाने के हम काम करेंगे। दूसरा लोहरसी को भी हमको प्रखंड बनाना है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। तीसरा पीरी चाको सोनरे और जमुने, ये सिंचाई परियोजना मुख्यमंत्री के टेबलों में पड़ा रह गया, उन्होंने साइन नहीं किया, इसलिए कि हम बीजेपी के विधायक थे, इसलिए कहकर उन्होंने टाल दिया। ये इसको होने से 350 करोड़ का प्रोजेक्ट, हर खेतों तक पानी पहुंच जाता है, हर नहर का ये एक लाइनिंग हो जाता है, पानी आ जाता है, ये काम हमारा दूसरा रह गया है। और इसके साथ साथ जो पांकी बराज का मामला है, ये सबसे अहम मामला है, इसको हम लोग पांकी बराज को भी पूरा कराने काम करेंगे, जिससे कि पांकी विधानसभा के साथ साथ अगल बगल प्रखंडों का भी ये हो सके, सिंचाई मिल सके, ये सब मेरा मुख्य रूप से रह चुका है। और इसके साथ साथ लोगों को सम्मान देना, लोगों का अधिकार देना, ये मेरा ऐसा मुद्दा है, जिसके आधार पर लोग ऐसा काफी ऐसा लोग ऐसा खुशी से दौड़ रहे हैं, और हम लोग काफी ऐसा वोटों के अंतर से जीतने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लोगों के सम्मान की बात किए, अभी मैं कुछ देर से यहाँ मौजूद था, यहाँ काफी लोग मैं देखा, सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, आप उनसे मिल रहे हैं, एक एक लोगों से उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। तो ये चुनाव के समय होता है ये, या ये जो है ना 12 महीने चलता है, हम यहाँ पर जो है ना वो ये जनता दरबार 365 दिन चलता है, 12 महीना चलता है, 5 साल चलता है, और 5 साल जब हम विधायक नहीं तब वो चलता था, अब इसी प्रकार से चलते रहता है। लोगों से हम लोग मिलते हैं जुलते हैं, उनकी समस्या निदान करते हैं, और लोगों को नाश्ता पानी करा के ऐसे उनको सम्मान के साथ भेजते हैं, इसलिए चलते रहता है, ये अनवरत चलने वाला काम है। आप कभी भी आके देखिएगा तो ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा कि लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये पहले के इसमें बाबू लोग जो होते थे ना, ये विधायक पहले लोग एक एक कुर्सी रखते थे, बैठिए तो खाली बाबू बैठिए, अब बाकी सब जमीन में बैठाता था लोग, हाँ कुर्सी नसीब नहीं होने देता कि कोई भी दलित है सो पिछड़ों को, और कहिए कि ऐसे
या आदिवासी मूल निवासी को, कोई नहीं देता था कुर्सी, एक कुर्सी रहता था दरवाजे पर। हम लोगों ने सबको सम्मान के साथ कुर्सी भी दिया, सोफा भी दिया, इसके बाद में जिस प्लेट में हम खाते हैं उसी पर प्लेट में हमारे तमाम लोग है सो ये एक साथ मिल के बैठ के खाते हैं। इसलिए लोगों को ये है कि हमारा ऐसा सम्मान कोई दे सकता है तो डॉक्टर मेहता दे सकता है, और इसी उम्मीद के साथ लोगों का कहीं उत्साह बढ़ा है और ऐसा की एक विश्वास बढ़ा है। झारखंड की मौजूदा राजनीति के एक मुद्दे की बात करें तो मैया सम्मान योजना और गोगो दीदी योजना जो है इस पे चर्चा हो रही है। महिलाओं का कहना है कि नहीं, हमारा मैया सम्मान योजना तो अभी हमें मिल रहा है, तो आप इसको लेकर कैसे महिलाओं को मनाएंगे? देखिए महिला सम्मान है, ये सब जान रही है कि सब हमको ठगने वाला ये ठगुआ है, सो ये मैया योजना है सो है। हाँ, आप इनको सभी दीदी लोग पूछ रही है कि ये हेमंत सोरेन जी बोले हुए थे कि हम जैसे सरकार बनेगी वैसे हम 2000 रुपया महीना करके देंगे, तो 58 महीना तक कहाँ गए चले गए थे इनको, तो जैसे हुआ उसी दिन से देना चाहिए था, 2019 से देना चाहिए था। तो उस समय जब चुनाव की घोषणा होने लगा तब ऐसे एक महीना पहले ये उन्होंने ऐसा किया कि हमें 1000 रुपया देंगे, 2000 के बदले में 1000 हो गया, और 60 महीने के बदले में ऐसा 2 महीना हो गया। तो इनको तो एरियर देना चाहिए था सबको, एरियर कि 58 महीना का एरियर, तब समझते लोग ये ईमानदारी से इन्होंने काम किया है। लेकिन हमारे मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं, हमारी पार्टी जो कहती है वही करती है। आप देख लीजिए, चाहे जो भी योजना हम लोग ऐसे ये लाए हैं तुरंत लागू किए हैं हम लोगों ने, दीदी ये गोगो दीदी सम्मान योजना जो है उसको आप देख लीजिए, हम लोगों ने कहा है 2100 रुपया देंगे, 11 तारीख को देंगे। आप सरकार बनने दीजिए, 11 तारीख से 12 तारीख नहीं होगा। इसके साथ साथ ये आपका विधवा पेंशन का मामला है उसको उसमें ये कर दिया, क्या नाम है, उसको बंद कर दिया, अब बंद करके दे दिया ऐसा ये कही कि मैया योजना में। अब सब बूढ़ा बूढ़ी सब ऐसा परेशान है कि हम लोग को मिले नहीं रहा है, वृद्धा पेंशन 4 महीने रुकल है, 3 महीने रुकल है। तो ये तो कहिए कि ये कहिए कि डाइवर्ट कर दिया फंड, इसके बाद में दूसरे को दूसरा दे दिया, और जो कि बंद होने वाला है ज्यादा दिन नहीं बल्कि चुनाव का कहिए कि एक झुंझुना था, और झुंझुना दे करके ऐसा ज्यादा दिन ठगा नहीं जा सकता है। यहाँ के तमाम बने जो झारखंड की है सो ये सभी बने जागरूक है, सब समझती है, जानती है, और इस बात में इसके चक्कर में नहीं पड़ने वाली है। और हम लोग इस योजना को लाए हैं उसको धरा पर लागू करेंगे। अब देखिए ना, यहाँ पर युवाओं के लिए कहा था इन्होंने कि हम 5 लाख ऐसी नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, कै को नौकरी दिया, 25 लाख देना दिया था, कितना नौकरी दिया, नियोजन नीति नहीं बना सके लोग, जो भी जेपीएससी है से एग्जामिनेशन से लेकर जितना कंपटीटिव एग्जामिनेशन हुए सब है तो क्वेश्चन भी किया, हाँ क्वेश्चन है तो कि कैंसिल हो गया, पेंडिंग हो गया, ये बहुत तरह की गड़बड़ी है। और हम तो युवाओं को कहे हैं कि भाई ये स्नातक हो चाहे स्नातकोत्तर हो, जो 2000 रुपया है सो उनके खाते में सब लोग डालेंगे, अब डाल के दिखा देंगे। मोदी जी मतलब कहना और करना दोनों में एकदम 1% भी फर्क नहीं, कहते हैं सो करते हैं और करके दिखलाते हैं। इसलिए सारा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस बार सरकार बनेगी। मैया सम्मान योजना की बात हो रही है, मैया सम्मान की बात हो रही है, लेकिन अभी बीते दिनों झारखंड सरकार के एक मंत्री ने सीता सोरेन के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है, इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए बड़बोलापन है मंत्री जी का, हाँ, और इसी में वो हसुईया समझते हैं कि हम ज्यादा ये है मतलब तेज तराक है। उनको हेमंत सोरेन जी को चाहिए कि उनको तुरंत बर्खास्त करे, अब ये इस्तीफा दे करके बहन है सो सीता सोरेन जी से ही माफी मांगना चाहिए इनको, जो कि इन्होंने न करके केवल सीता सोरेन जी को अपमान किया, पूरे ये कि जितने बहने हैं जितने ये हैं महिलाएं तो उनको अपमान करने का काम किया है। और ये इनका बड़बोलीपन आने वाले समय में जनता है सो उनको सबक सिखाएगी, और इनको ऐसे बड़बोलीपन को है सो जनता ही ऐसा कंट्रोल करेगी। लेकिन इनको शर्म लगना चाहिए कि ऐसे किसी बहन के बारे में बोले, अच्छा नहीं लगता है, उनको अपने आप को माफी मांगना चाहिए। लास्ट सवाल लेंगे कि ये पाकी की बात हो गई, झारखंड में इस बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, इस बार तो हम लोग सरकार बनाएंगे, उसका एक ही छोटा सा उदाहरण है मोटा मोटी के ये कि अभी ये 4 दलों का ऐसा गठबंधन है, हाँ, आपका है सो भारतीय जनता पार्टी के साथ है सो ये आपका आयसू है, आपका लोजपा है, जदयू है, हाँ, पिछले बार जो है चुनाव हम लोग लड़े थे तो चुनाव बिना ये कर लड़े थे तो पर भी ये 52 सीट पर हम है सो ये लोकसभा में लीड किए थे, और गठबंधन होने के बाद जो है 7-8 सीट और जो था जो कि हम लोग चुनाव उसमें नहीं अच्छा किए थे, तो गठबंधन के बबाद मोटा मोटी कहिए कि 60+ है सो आने का टारगेट हम लोग रखे हैं, और ये 2/3 बहुमत होगा ये
दो तिहाई बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। इसमें कहीं कोई छो पांच नहीं है, इसलिए कि पूरी तरह से 5 साल का ये कार्यकाल था ऐसे त्राहिमान मचा हुआ है। आप बालू की बात देख लीजिए, आबुआ आवास आता है बालू नहीं, आपका प्रधानमंत्री आवास आता है बालू नहीं, हम लोगों का अंबेडकर आवास बनाना है बालू नहीं, और हम लोग को कोई किसी को भी झारखंड की एक एक जनता को जरिए बालू और निर्माण कार्य करने, चाहे शौचालय बनावे, चाहे कहिए कि और कहिए कि ये आपका कोई भी ऐसा अपना निर्माण कार्य करे, बालू नहीं। हमारी सरकार आएगी तो बालू को हम लोग फ्री करेंगे। बालू है जो ये कहिए दलालों बिचौलियों को कहिए कि दूसरे राज्यों में ले जाने के लिए बालू है, यहाँ से यूपी जा रहा है गढ़वा से, मंत्री जी का ये कहिए कि पूरा ऐसा संरक्षण है लेकिन यहाँ के लोगों को बालू नहीं मिल रहा है, तो बालू जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे। और इसके बाद जो जो जन ये कहिए कि जैसे अभी की डेट में मान के चले कि जिस प्रकार से खाना कपड़ा और पानी जरूरी है उसी प्रकार से विकास के लिए बालू जरूरी है, बालू पर इन्होंने लगाम लगा दिया, इसको हम लोग फ्री करके लोगों को राहत देने का काम करेंगे और लोगों का एक विकास में तेजी से गति लाएंगे। तो अभी आप सुन रहे थे कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी को, इन्होंने सभी सवालों का विभागीय से जवाब दिया, साथ ही इन्होंने घोषणा की है हमारी सरकार बनेगी तो बालू फ्री कर दिया जाएगा और बीजेपी की सरकार इस बार 2/3 बहुमत से बनेगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए देश डी न्यूज के साथ। ये खबर आपको कैसा लगा इसको कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।